यार, सबसे पहले तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बताना चाहूँगा। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, खुशनसीब फील कर रहा हूँ कि जी वालों ने इतना प्यार दिया। एक्चुअली सबसे पहले तो आई मस्ट से दैट जी वॉज सुपर सपोर्टिव, बिकॉज बीच में देर वॉज समथिंग हैपन, मिस हैव हैपन्ड ऑन यूट्यूब, एंड इवन आफ्टर दैट दे लव्ड द सॉन्ग, सो दे सपोर्टेड इट सो मच। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको इतना सपोर्ट किया, पुश किया कि हम रीअपलोड कर पाए गाने को, एंड काफ़ी अच्छी तरह से गाना आगे बढ़ पाया। तो सबसे पहले तो मैं जी की स्पाइन को दाद देना चाहूँगा, दे वर रियली अमेजिंग, अनुराग बेदी सर, ऑल दोज पीपल। नेक्स्टली खट्टी मीठी जर्नी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। द आउट प्रोडक्ट, द बाई प्रोडक्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट, दिस व्हाट यू कॉल इट, इज रियली अमेजिंग। मुझे उसमें ज़्यादा खुशी है इस वक्त कि काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इस गाने को। मुझे अप्रोच तो नहीं किया गया था ऑल दो, लेकिन दिस इज़ माई ओन सॉन्ग, मैंने काफ़ी पहले लिखा था ये गाना, उसके बाद ये गाना अब जाके मैं निकाल रहा हूँ, बिकॉज आई फील लाइक लोगों को अच्छा गाना सुनने का हक है, क्योंकि मैं इस गाने को कई बार स्टेज शोज में मेरे कितने सारे कॉन्सर्ट्स हम लोग करते हैं, हम आर्टिस्ट लोग, तो आई हैव परफॉर्म्ड इट इन 2-3 कॉन्सर्ट्स एंड आई सॉ सम अमेजिंग रिस्पॉन्स बाई पीपल, दे लव्ड इट, दे एंजॉयड इट, सो आई फील दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग द गुड सॉन्ग आउट एंड पीपल शुड लिसन टू गुड सॉन्ग्स। ये गाना निकालने के लिए फिर हमने जी को अप्रोच किया, एंड म्यूज़िक वीडियो एंड ऑडियो सुनने के बाद जैसे होता है ना, एकदम से सुनते ही खुश हो जाना, सो दे वर रियली हैप्पी आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग। यार अगर म्यूज़िकली पूछो तो मुझे वेस्टर्न म्यूजिशियंस काफ़ी इंस्पायर करते हैं यार, लाइफ जर्नी वाइज। मुझे लगता है कि दे हैव स्पाइन, दे हैव आइडियोलॉजीज, दे हैव ऑनेस्ट ओपिनियंस, दे आर नॉट लाइक, I mean, they make their own journeys very clear. Like Kurt Cobain, like Chester Bennington, like John Mayer, Eric Clapton, like Jason Mraz, like Bruno Mars, Ed Sheeran. These people are like sense. They talk sense. They are deep. They do music to inspire people. They don't just do music for that. They do music for more than just singing, more than just about it. So these people inspire me a lot. देखो, मैंने struggle तो आज तक नहीं किया, मैं बस सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। मैंने कभी देखा नहीं कि मेरे को ताकत लग रही है कि नहीं सीढ़ियाँ चढ़ने में, मेरे मसल्स बनते गए अपने आप। इट वॉज लाइक आई जस्ट वॉक माई वे द वे आई वॉन्ट टू वॉक, चलता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, अभी यहाँ पर पहुँचाऊँ। 2-3 महीने बाद और कहीं पर मिलेंगे आपसे। काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तो, आई एम केप्ट ऑन वॉकिंग। आई डोंट थिंक दैट इट्स कॉल्ड एज अ स्ट्रगल, इट इज़ नॉट अ स्ट्रगल, इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ पाथवे, इट्स द वे इन इंडिया दैट यू हैव टू डू इट, दैट्स इट। सॉन्ग्स कम इन मराठी लैंग्वेज, आई एम डूइंग न्यू लाइक 2 मूवीज, वन इन हिंदी बॉलीवुड मूवी एंड अदर वन इज़ बिग बजट मराठी मूवी, एंड I'm bet sure that you all guys love the songs. The songs are really amazing. The tracks are really amazing. And uske alawa main marathi mein singles kar raha hu aur hindi mein bhi mere singles aa rahe hain. So there is lot of things kept on happening. Will keep on happening. We'll keep on updating you all people. You'll love it. Yeah, 100%. I have almost 600-700 songs of my own. Jisme se bahut zyada gaane hindi hai. काफ़ी सारे गाने पंजाबी है, काफ़ी सारे गाने मराठी है, कुछ हिंदी भी है एंड कुछ हरियाणवी है। आई हैव स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन बंगाली लैंग्वेज, सो लॉट ऑफ सॉन्ग्स मस्ट कम आउट एंड गुड म्यूजिक शिल फ्लरिश। तो हाँ, मेरा सबसे पहला ये है कि मैं इंग्लिश एल्बम मेरा बाहर निकालो ASAP, बहुत जल्दी। मराठी एंड इंग्लिश, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एल्स देन हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश आर माई सेकेंड प्रायोरिटीज एंड आई लव बोथ ऑफ देम, लाइक इन एंड आउट आई लव देम, आई एंजॉय देम। हाँ हाँ, नहीं मैं वो नहीं बता पाऊँगा, आई एम रियली सॉरी दैट मेरे आगे के प्रोजेक्ट के गानों का नाम या फिर उनका कैसा होगा मैं वो नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि चीज़ें सारी मीडिया में छपना स्टार्ट हुई है। कल ही एक आर्टिकल आया था जिसमें दिल तेरे संग नाम की, हाँ बोल ही दिया मैंने, मूवी है दिल तेरे संग जिसका मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, देहरादून में शूट हो चुका है ऑलमोस्ट एंड चीज़ें आगे जा रही हैं,
सो उसका पूरा म्यूज़िक मैंने किया है. एंड आगे एक मराठी मूवी है आप वो उसके बारे में आपको सबको पता चल ही जाएगा. इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी ऑफ मराठी इंडस्ट्री अब तक की. तो या इट्स इट्स अमेजिंग मूवी, सबको पसंद आएगा वो मूवी भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. तो एज एन नाउ मैं ये सब कर रहा हूँ. उसके अलावा फिर इंडिपेंडेंट गाने तो मैं बहुत सारे कर रहा हूँ, बहुत अच्छे गाने कर रहा हूँ. आई एम रियली श्योर दैट यू गाइज विल लव इट एंड यू गाइज विल कम बैक अगेन अबाउट द सॉन्ग्स एज वेल. यार आप जब स्विमिंग करने जाते हो एक समंदर में, तो हर समंदर में अलग अलग एनिमल्स होते हैं. आपको सबके साथ बी फ्रेंड होना ही होता है इफ़ यू वांट टू लिव इन पीस. सो इट्स नॉट लाइक दैट आई ओनली वर्क विद जी और एनीथिंग एल्स. आई वर्क विद ऑल ऑफ द लेबल्स. आई एम सून गोना वर्क विद टी, आई एम सून गोना वर्क विद यूनिवर्सल एंड सोनी एज वेल. आई वांट टू वर्क विद ऑल ऑफ देम. इट्स एवरी टीम हैज़ देयर ओन वे ऑफ वर्किंग पैटर्न्स एंड एक्सपीरियंसेस. इट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे. मुझे इन सबके साथ काम करने का बहुत मन है यार. ये सब अच्छे लोग हैं, सबका अपना तरीका है काम करने का, लाइफस्टाइल जीने का, म्यूज़िक को बाहर लाने का लोगों तक. वो सब एक्सपीरियंस करना है मुझे. तो जी के अलावा भी मैं और लोगों के साथ काम करूँगा. जी के साथ मेरे बहुत अच्छे टाइज हैं. मुझे आई रिस्पेक्ट जी पीपल, जी रिस्पेक्ट्स मी एंड एवरीथिंग इज़ लाइक दैट. बट या डेफिनेटली आई एम गोना वर्क विद ऑल ऑफ देम एंड इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाले वो सब भी. पीयूष अंभोरे माई ओन यूट्यूब चैनल 100%. It all depends. Yeah, it all depends. Which company provides me the correct sort of pathway which I feel for myself. जैसे मैं जाना चाहता हूँ राइट साइड में और कोई मुझे बोले कि नहीं मैं लेफ्ट साइड से तुझे वहीं जहाँ पर तू जाना चाहता है वहाँ लेके जाऊँगा, दैट विल नॉट बी कूल. हाँ थोड़ा सा डिग्रीज में फ़र्क चल सकता है, आप थोड़ा सा मेरिडियंस एंड वो सब चेंज कर सकते हैं थोड़े थोड़े. बट मेरे तरीके से अगर कोई लेबल मुझे लेके जाता है, चाहे फिर वो टी हो, जी हो, यूनी हो, या फिर सोनी हो, या फिर टाइम्स हो, या फिर सारेगामा हो, टिप्स हो, व्हाटएवर, जो मेरे को मेरे तरीके को सपोर्ट करता हो, मेरे किस्म के तरीके को सपोर्ट करता हो, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा 100%. अभी तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग इवेंट्स कंपनियों के साथ काम करने में. जैसे ओएमएल है और भी कुछ अच्छे अच्छे इवेंट्स कंपनीज है जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को काफ़ी अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखते हैं. उनके साथ काम करने में भी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रादर देन द मेन स्ट्रीम सॉर्ट ऑफ लेबल्स. सो इस गाने के अंदर हमने एक ऐसे इंसान को पोर्ट्रे किया है जो अपने प्यार पे बहुत बिलीव करता है. इज़ वेरी स्ट्रांग अबाउट हिज लव. जो लोग स्ट्रांग होते हैं अपने लव को लेकर, वो होपफुल रहते हैं हमेशा, बिकॉज दे हैव डन ऑल द हार्ड वर्क फॉर देयर लव, राइट? They have given all the best efforts for their love. So बहुत hopeful गाना है, passionate, painful, hopeful गाना है. ये होप ऐसे गानों में बहुत मुश्किल से दिखती है. The guy is still waiting for the girl and is saying that तू जा कहीं भी हो, बेवफा सनम, तुझे प्यार करने वाला मुझसे नहीं पाएगा, वो जाने वाली ये बता के जा, मैं हूँ खड़ा यहीं, तो कब लौट आएगा. He is still hoping that the girl will come even after going with some other guy. So हमने ये इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की है यहाँ पर कि बंदा पेन में तो है लेकिन फिर भी वेट कर रहा है. दैट्स व्हाट इट इज एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और जस्ट अभी बहुत सारे लोगों, मतलब सब लोगों ने सपोर्ट किया है, तो जो 2.2 मिलियन व्यूज वीडियो का हो गया है. तो सबसे पहले मैं जी को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है. और हमारे डायरेक्टर है प्रीत सिंह, इन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया है और इन्होंने भी मतलब बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है और वीडियो का सब अच्छा से वर्क किया है. तो बस मैं इनको भी थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ. स्टार्टिंग में आप किससे जुड़े हो, ये मायने मतलब मेन है, आप किसके साथ वर्क कर रहे हो. तो जब हमारी प्रीत की और मेरी बात हुई थी तो जस्ट लिरिक्स थे हमारे पास, इनके पास, इन्होंने मुझे सुनाया था कि ऐसा ऐसा है, तो वो कंटेंट मुझे अच्छा लगा तो हमने डिसाइड किया कि इसको म्यूज़िक वीडियो बना के रिलीज़ कर देंगे. तो फाइनली प्रोजेक्ट तो हो गया हमारा, अभी बहुत अच्छे से चल रहा है. सर,
आपके मतलब अभी कितने प्रोजेक्ट आपके पास अभी भी है या अपकमिंग आने वाले हैं? अपकमिंग अभी एक सॉन्ग है वो रिलीज़ होने वाला है 10-15 दिनों में, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्रीत कौर हमारा है, एक सिंगल सॉन्ग है, और उसके बाद एक हम साथ में ही फिल्म कर रहे हैं, फ्यूचर फिल्म, तो देखते हैं आगे कैसा होता है वर्क। या अभी तक तो सबका वर्क अच्छा है, तो आगे ही अच्छा वर्क रहेगा हमारा। मेरे पास जैसे पहले भी मैंने काफ़ी गाने किए, तो कोई भी मेरे पास कभी भी गाना आता है तो पहले जो लिरिक्स हैं वो बहुत देखना ज़रूरी है कि जो आप वीडियो सोच रहे हो बनाने के लिए वो जस्टिफाई करना चाहिए उस लिरिक्स को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिरिक्स कुछ और बोल रहे हैं और आपका वीडियो कहीं और जा रहा है, और अगर वो अच्छा नहीं लगे तो फिर ऑडियंस आजकल बहुत समझदार है, सब लोग जज करते हैं कि क्या सिंगर कहना चाहता है, क्या राइटर कहना चाहता है और डायरेक्टर क्या दिखा रहा है, तो अगर वो मैच नहीं करता तो देन मुझे नहीं लगता कि हम वीडियो के साथ कुछ जस्टिस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ दिमाग में ये थी कि राइटर ने क्या लिखा है और उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जब भी हम बनाने लगते हैं उसका गाने के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मुझे नहीं लगता कि किसी की लाइफ में नहीं हुआ होगा, सबकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि कोई किसी को लाइक करता है और कभी ना कभी तो देखो दिल टूटना तो ज़रूरी है, उसके बिना मुझे लगता नहीं इंसान भी इंसान बनता है, बट सबकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं। और ये गाना चुनने का एक सबसे बड़ा रीज़न पीयूष और मेरा यही था कि हमने उसके बाद सूरज को भी जब अप्रोच किया था तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, और सूरज भी इस बात से सहमत है कि ये बहुत रिलेट करता है, हर इंसान इस चीज़ से रिलेट कर सकता है। तो हम तीनों की यही सोच थी कि अगर हम ये गाना कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या सोची जाए, क्या वो रिलेटेबिलिटी है। तो जब हमने ये गाने के लिरिक्स जब हमें पीयूष ने बताए थे तो हमने देखा तो हाँ हमें भी लगा कि हम भी रिलेट कर सकते हैं, तो तभी हमने डिसाइड किया कि चलो ये गाने के साथ हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमने गाना बनाया। आपके इस सॉन्ग में कुछ कंट्रोवर्सी भी थे, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, कंट्रोवर्सी ऐसा हुआ था कि ये गाना हमने 1.5 साल पहले सेलेक्ट किया था कि चलो इस गाने के साथ, हम काफ़ी गाने हैं हमारे लिखे हुए तो हमें था कि चलो कौन सा गाना सेलेक्ट किया जाता, तो मैंने और पीयूष ने मिलकर फिर ये गाना सेलेक्ट किया था। तो 1.5 साल बाद हमें चांस मिला साथ में काम करने का, कुछ उनके काम थे कुछ मेरे काम थे तो हम साथ वर्क नहीं कर पाए, पर जब हमने किया तो उसके बाद हमने काफ़ी मेहनत की। हम चीज़ों से पहले से जानते थे कि ठीक है हम कुछ अलग करना चाहते हैं, जो नॉर्मल इंडस्ट्री में चल रहा है हमें लगता है कि उससे कुछ अलग नहीं लेके आएंगे तो आप दिखोगे कैसे, आप स्टैंड आउट नहीं हो सकते। देन तो हमने ये सारा चीज़ें करी, और उसके बाद से जैसे ही गाना रिलीज़ हुआ तो गाना यूट्यूब ने फ्लैग हो गया और उसके बाद से वो हटा दिया गया। तो जब जैसे ही वो हटाया गया तो जी म्यूज़िक कंपनी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, तो जी म्यूज़िक ने बोला कि ठीक है और आप अभी आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। देन हमने एक बार और कोशिश की, हमने क्या कि चलो इसमें डिस्क्लेमर डाल के देखते हैं। देन जी ने बोला कि आप ब्लर भी कर दीजिए इसको, सीन्स को, जो एक एक सेकंड के कुछ अगर सीन कंट्रोवर्शियल लगते भी हैं। तो देन हमने वो सीन ब्लर किए कि दोबारा वीडियो रीअपलोड किया, और हमें लगता नहीं था कि वो वीडियो ऐसे हटाना चाहिए था, बट अब अगर हुआ तो उसके बाद हमने दोबारा अपलोड किया क्योंकि हमें कॉन्टेंट पर बहुत भरोसा था। तो जैसे ही वीडियो रीअपलोड हुआ तो उसके बाद आप सबके सामने 2.2 मिलियन से ऊपर चला गया व्यूज़, और अभी भी बढ़ रहे हैं, तो लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोग बात भी कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत खुशी है कि चलो हमारा गाना हमारे कंटेंट के साथ जस्टिस हो। कि आप किसी भी लेबल के पास जाते हो तो सबसे पहली चीज़ है वो देखते हैं कि आपने क्या किया है, कि कैसा गाना बनाया, क्या आप कहना चाहते हो, क्या आप बता पाए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भी आप हमें दे रहे हो और हम आपको सपोर्ट करें तो लोग हमें भी गाली दें कि आप क्यों कर रहे हो सपोर्ट, की कुछ अच्छा भी नहीं है। तो उनको बेसिकली हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जब कॉन्टेंट अच्छा है तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि उड़ता पंजाब आई है, कबीर सिंह आई है, दोनों में कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, बट स्टिल ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हुई नहीं है, पर हमारे गाने के साथ ऐसा हुआ तो हमें बहुत दुख हुआ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान होता ही और क्रिएटिवली भी आप हर्ट होते हो कि ऐसा क्यों आपको बंदिशें लगाई जा रही हैं। देन पर उसके बाद सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है तो हमें उससे कोई गुस्सा गिला नहीं है, बट जी ने हमारा कॉन्टेंट देख के हमारा साथ दिया और वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू फॉर देम। सो सर, आपके पास अभी अपकमिंग कितने प्रोजेक्ट हैं या कब तक? हाँ सी, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी आने वाले हैं, एक सॉन्ग आने वाला है और उसके बाद जो मेरा डायरेक्ट किया सॉन्ग है वो अभी नेक्स्ट मंथ आने वाला है, एंड देन मूवीज़ हैं जो हम अभी साथ में मिलके कर रहे हैं, और सूरज और मैं हम साथ में ही काम करते हैं, तो बस यही चीज़ें हैं, जब जैसे जैसे आएंगी तो हम आपको वैसे वैसे बता सकते हैं।